अरे यार, एक सिगरेट देना। अरे यार, सिगरेट खत्म हो गई है, दूसरा कुछ दे दूं? ए, ओ देख, आ गया डॉक्टर। अबे काहे का डॉक्टर, ऐसा घिनौना काम करने वाले इंसानों के भेष में शैतान होते हैं। मैं तो कहती हूँ अपने अपने बच्चों को भी इससे दूर रखेंगे, पता नहीं कभी उनके साथ भी। अरे देख, अब ये डॉक्टर यहीं पे रहेगा। हम ऐसे नहीं होने देंगे। इन लोगों को तो इस चौल में क्या, इस दुनिया में ही रहना नहीं चाहिए। देखो ये रुक, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू यहाँ फिर से मुंह उठाकर चलाया, शर्म नहीं आई तुझे? एक तो तूने डॉक्टरी पेशे को भी बदनाम कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, अपने प्रोफेशन की पूजा करता हूँ मैं। काय की पूजा? सब कुछ टीवी पर देख लिया मैंने, तेरा सब कुछ। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब, उठो। जरा सी भी गलत होती तो यहाँ पे नहीं खड़े रहते, अब तक चले जाते। बिल्कुल चले जाओ, नहीं जाओ, जाओ। बिल्कुल नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है हमारी चौल में रहने की, समझे आप? चले जाओ यहाँ से। हाँ चले जाओ यहाँ से। जाओ 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 जाओ, दोबारा मत आना। कैसे कैसे लोग हैं। जगर जगर अर्चना यहाँ होती तो वही ये बच्ची को देती। अर्चना का मानना था कि बेटी लक्ष्मी माँ का रूप होती है, इसलिए जब भी घर में कदम रखती है तो घर को खुशहाल कर देती है। आप गलत थे बाबा, अरे इस घर में खुशियां नहीं बल्कि मातम लेकर आई। ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ नहीं मिस्टी, वो मैं रास्ते में चल रहा था ना तो फिसल गया। अनिल देखिए, आप मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे सच सच बताइए कैसे हुआ है। नहीं बाकी में मिस्टी, मैं गिर गया था। अनिल मैं कह रही हूँ, आप मुझे प्लीज सच सच बताइए, आप मुझसे झूठ कह रहे हैं। सोनल पता ही ना ये चोट कैसे लगी। टीवी में न्यूज आ गई है, चौल वाले हम पर भड़के हुए, मुझे बुरा भला कह रहे थे, मेरे ईमान पर उंगली उठा रहे थे, मुझसे रहा नहीं गया। और वो कौन लोग थे, आप प्लीज मुझे उनका नाम बताइए। नाम जानकर क्या होगा मिस्टी, क्या करूंगी? अरे उन्हें जाके उनको समझाऊंगी कि सच्चाई क्या है। आपने कुछ नहीं किया, उन्हें बताऊंगी। किस किस को सच्चाई बताओगी मिस्टी तुम? सच्चाई को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सच्चाई सच्चाई होती है। और दुनिया में बहुत लोग हैं बोलने वाले, हर एक को रोका नहीं जा सकता। हाँ उन्हें मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। कैसी बातें कर रही हो तुम मिस्टी? हाँ उन्हें आपको मेरी वजह से आपका इतना अपमान हो रहा है, कितनी बेइज्जती हो रही है सब मेरी वजह से। उन्हें आप डॉक्टर हैं, लोग आपकी इतनी इज्जत क्या करते थे, आपको भगवान माना करते थे, कहाँ आज सब आप पे उंगली उठा रहे, आपकी बेइज्जती कर। उन्हें हमें काम करते, हम ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कोलकाता चलते हैं, वहाँ पे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है? नहीं मिस्टी, हम कोलकाता नहीं जा सकते। नहीं जा सकते? मगर क्यों नहीं जा सकते? मिस्टी ये न्यूज़ नेशनल टेलीविजन पे फ्लैश हो चुकी है।
और कोलकाता में हर कोई दूसरा बंदा मुझे अच्छी तरीके से जानता है। वहाँ के लोग मुझसे बहुत गुस्सा हो चुके। इनफैक्ट मुझे स्वामी दादा का फोन भी आया था। वो कह रहे थे कि हमारे घर में पत्थरबाजी हुई। क्या? हाँ मिस्टर, मैंने भी सोचा था कि हम लोग पहले कोलकाता चले जाएं, लेकिन जब तक वहाँ के लोगों का गुस्सा शांत नहीं होता तब तक हम लोग को यहीं पे कहीं बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ठीक है ना ओनर, हम कोलकाता नहीं जाएंगे, लेकिन लेकिन हम यहाँ पे भी नहीं रहेंगे। मैं इस तरह आपका अपमान होते हुए नहीं देख सकती। जिन लोगों की आपके सामने खड़े होने तक की औकात नहीं है, वो आप पे उंगली उठा रहे। और फिर दुनिया में ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनका जिनका घर नहीं है, वो भी तो किसी ना किसी तरह मैनेज करते हैं ना। तो हम भी मैनेज कर लेंगे ना उन्हें। और यहाँ पे हम कुछ ही दिन के लिए रहने आए थे ना, शायद ये सही वक्त है, हमें ऐसे निकल जाना चाहिए। वैसे भी सोहम दादा और वर्षा मौसी यहाँ पे इतना मुश्किल से गुजारा करते हैं, नहीं तो उनका बड़प्पन है जो उन्होंने हमें यहाँ जगह दी। शायद अब हमें चलना चाहिए, है ना? सही कह रही हो। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं अपने लिए कोई भी काम ढूंढ लेता हूँ और मैं कहीं रहने का बंदोबस्त करता हूँ। ऑनर, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको क्या लगता है मैं आपको इस तरह अकेले जाने दूंगी? भूल गया, एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे कोई भी सुख दुख हो हम एक दूसरे का हमेशा साथ देंगे। मिश्ती, लेकिन तुम मेरे साथ कहाँ कहाँ भटकोगी? हो सकता है मुझे सड़क पर रहना पड़े। तो रह लूंगी ऑनर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक आप मेरे साथ हैं ना, मैं कहीं पे भी रहूंगी। आप प्लीज उस चीज की टेंशन मत लीजिए। सामान मान दो। पूर्वी, ये बैग क्या हो? एक्चुअली मौसी, वो हम लोग जा रहे हैं। जा रहे? ऐसे कैसे जा सकते हैं? और कहाँ जाएंगे आप? कोई घर है आप लोगों के पास या कोई ठिकाना? कामकाज में नहीं है आप लोगों के पास, ऐसे में कहाँ जाएंगे? सोम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिन रहना ऐसे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी आज से हमने सोचा है कि हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। हाँ दादा, और फिर ऑनर ने मेरा हर मुसीबत में साथ दिया। मैं उनको ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकती, मुझे भी उनके साथ जाना होगा। कोनो कहीं नहीं जा रहा, समझ गए आप लोग? सोहम, जाने दे, यहां रहकर बेइज्जती सहने से अच्छा है कि ये लोग कहीं और जाकर सम्मान की और इज्जत की जिंदगी जिए। पूर्वी जानती है,
आज तुझे और ऑनर को देखकर मुझे अर्चुताई और मानव जीजू की याद आ गई। उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह अपने बलबूते पर अपने जिंदगी की नई शुरुआत की थी। पता है, उस वक्त उनके साथ कोई नहीं था। उनका घर परिवार सब उनके खिलाफ थे, यहां तक कि आई ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। आखिर अपनी मंजिल को पा ही लिया। मैं भी पापा से यही प्रार्थना करूंगी कि वो तुम दोनों को हमेशा साथ रखे और हर मुसीबत से लड़ने की ताकत दे। चलती हूं। अरे नहीं, आज मैं अर्चना को बहुत मिस कर रहा हूं। काश कि आज वो तेरे पास यहां होती। आई से बेहतर अपने बच्चों का दर्द और कोई नहीं समझ सकता। और अब तो तुम भी एक आई हो और इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती हो। आई, पापा भूल रहे कि मेरा बच्चा होने से पहले ही मर गया था। मैं आई नहीं बेटा, परी भी तो तेरी बेटी है और मैं तुझसे यहां यही पूछने आया था कि तूने परी के बारे में क्या सोचा है, अपने और अर्जुन के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है। देख बेटा, मैं जानता हूं कि किसी भी पत्नी के लिए अपने पति की ऐसी गलती को भुलाना आसान नहीं होता। लेकिन बेटे, परी के खातिर तुझे अर्जुन की इस गलती को भूलना होगा। बेटे, उस बच्ची के लिए तुझे उस घर में वापस जाना होगा। परी को उसकी आई की जरूरत है और उसकी आई उर्वी है। उर्वी परी को संभालने के लिए अगर अर्जुन के घर भी जाके रहना चाहती है तो मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। मैं अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ और
उन दोनों ने मेरे साथ जो किया मैं वो कभी नहीं भूल सकती हूँ। बेटा लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करना चाहती है, मतलब तू? हाँ बाबा, मैं फिर से मॉडलिंग करना चाहती हूँ। बेटे इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा फैसला ले लिया तूने। देख बेटा, तुझे जो कुछ भी करना है एक बार पहले टीके सर और अर्जुन से बात कर लेना। बट आखिर तो उस घर की बहू भी है। पापा, मैं उस घर की बहू हूँ, लेकिन अर्जुन भी तो उस घर का बेटा था ना। उसने भी ऐसे बहुत सारे डिसीजन लिए जो ना उसने मुझे बताने जरूरी समझा ना पापा को, तो फिर मैं क्यों पूछूं? और हाँ बाबा, अगर आपको मेरे किसी भी डिसीजन से प्रॉब्लम है या मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। नहीं बेटा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब परी ओवी की जिंदगी थी और अब वो परी से इतनी नफरत करने लगी है कि परी का चेहरा तक देखना नहीं चाहती। एक सच्चाई ने हम सब की जिंदगी बदल कर रख दी। मैम आप यहां? Yes, ma'am. किसने यहाँ पे परी को अकेला छोड़ा था? आपको पता नहीं बच्चा अकेले में डर जाते? अब जाइए, इसके लिए गर्म पानी लेकर आइए। जी जी मैम। रो रही है? हाँ। अरे हरिका का, आप यहाँ पे तो ऊपर परी के साथ कौन है? सर, ओवी मैम आई हुई हैं और ऊपर परी के साथ कमरे में हैं। ओवी आई है? या। थैंक यू काका। थैंक यू सो मच। मुझे पता था कि तुम आओगी। आई न्यू कि तुम परी के बिना नहीं रह सकती। आई प्रॉमिस यू एवरीथिंग। अगर तुम्हें लगता है कि या मैं तुम्हारे या परी की वजह से आई हूं तो तुम्हें गलत लगता है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कह रही हूं? मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, मैं अपना मॉडलिंग करियर फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। व्हाट? तू ओवी, तुम अपना मॉडलिंग करियर फिर से शुरू करियो? लेकिन ओवी परी अभी कितनी छोटी है, वो थोड़ी बड़ी हो जाए अपने आप संभालने लगे खुद को, उसके बाद जो चाहिए वो कर लेना। तुम अभी ऐसे कैसे? अच्छा, तुम काम क्यों नहीं करते हो? अगर तुम्हारी बेटी को एक आई की जरूरत है ना, तुम एक आया रख लो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ तुम पूर्वी को यहाँ बुला। ओवी चिल्लाओ मत। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चिल्लाने से मैं रुक जाऊंगी तो तुम गलत हो। और अर्जुन, तुम कितने सेल्फिश हो। जस्ट बिकॉज़ तुम्हारी बेटी को आई की जरूरत है तो तुम चाहते हो मैं यहां रुक जाऊं। ग्रेट। ओवी, मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम और मैं पति-पत्नी हैं। हमारा कोई भी डिसीजन परी को ध्यान में रखे बिना नहीं हो सकता। दैट्स माय प्रायोरिटी। अर्जुन, तुम मेरे पति हो पर वो मेरी बेटी नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने डिसीजन लूंगी तो तुम गलत हो। ओवी, लेकिन मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं, तुम क्या सोच रही हो? मैं अर्जुन, समझने की बारी अब तुम्हारी है।
तुम एक बात समझ लो कि अब मैं तुम्हें या परी को एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अपनी नाजायज बच्ची को। ओवी! I'm sorry. In fact, ये तो तुम्हारे और पूर्वी के महान प्यार की निशानी, right? In fact, अर्जुन अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ कुछ नाजायज है ना तो वो है हमारा रिश्ता। ओवी, listen. तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? खत्म कर दो ना इस रिश्ते को। और वैसे भी अब तुम चाहे जो कहो जो करो, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली हूँ। ओवी, ओवी, listen to me. ओवी,